क्या दुख हमें भगवान देते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सुख दुख तो भगवान की माया की व्यवस्था है। हम न जाने कितने जन्म जन्मांतर से सकाम भाव से कर्म करते हुए पाप और पुण्य की पूंजी जोड़ते जा रहे हैं। उसी कर्मों के अनुसार हमें सुख ही नहीं बल्कि दुख भी भोगना पड़ता है। इस जन्म में कोटा पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म में। अब क्योंकि हमारे प्रत्येक कर्म सकाम भाव से होते हैं, इस कारण भावनाओं की अधीनता में ये सिलसिला जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, हम अपने दुखों के जिम्मेदार स्वयं होते हैं। हमारी भक्ति जैसे जैसे प्रगाढ़ होने लगती है, हमारा कर्म और कर्म के पीछे भाव शुद्ध होने लगते हैं और धीरे धीरे भगवत कृपा से हमारे भीतर निष्काम भाव जागृत होने लगते हैं, जिससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो कि मुक्ति मार्ग का अंतिम सीढ़ी है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये सुख दुख हमारे मन की माया का खेल है, भावनाओं का सागर है, जिसे भगवान ने हमें कर्म करने और कर्म फलों को भोगने के लिए ही बनाया है। जब कोई भक्त भगवान के सम्मुख पूर्ण समर्पण कर देता है तो भगवान अपने सरलगत को अपनी माया अर्थात सुख दुख की अनुभूतियों से मुक्त कर देते हैं। फिर सुख आए या दुख आए, परिस्थितियाँ कितना भी विषम हो जाए, इनसे भक्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भक्त का मन शांत स्थिर और भगवान में मगन रहता है। ऐसे भक्तों की अवस्था ना लेना ना देना मगन रहना जैसी हो जाती है, जैसे कि मीराबाई। दोस्तों, यदि आपने अभी तक निष्पक्ष भाव से समर्पण का संकल्प नहीं किया है तो एक बार मेरी कोई भी बड़ी वीडियो के अंत में बताए गए समर्पण की प्रार्थना को जल अर्पण करते हुए जरूर कीजिएगा। भगवत कृपा के द्वार सहज ही खुल जाएंगे। सादर सहदय प्रणाम। जय श्री हरि।